करण तेजस्वी और विशाल को मिली तारीफ, बाकी कंटेस्टेंट्स को मिली फरा की सलाह। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 में वीकेंड का वार के दौरान शो में बतौर मेहमान पहुंची फरा खान ने करण तेजस्वी और विशाल की तारीफ की है। करण कुंद्रा को रैंकिंग में नंबर वन बताया और ये कहा कि तुम बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो। वहीं तेजस्वी प्रकाश को दूसरे पोजीशन पर बताते हुए फरा ने ये कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम बहुत अच्छा कर रही हो और बाहर भी तुम्हारी तारीफ हो रही है। साथ ही विशाल को भी तीसरी पोजीशन पर रखते हुए फरा ने उनकी तारीफ की और ये बताया कि यहाँ मैं शमिता को देख रही थी, लेकिन तीसरी पोजीशन पर तुम आ गए हो। पहले ही दिन से तुमने दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। शमिता चौथे स्थान पर रही। प्रतीक के बारे में फरा खान ने बताया कि तुम बिग बॉस OTT का कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम पांचवी पोजीशन पर आ गए हो। छठी पोजीशन पर जय भानुशाली दिखाई दिए हैं। जय के लिए फरा ने कहा कि तुम जनता की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतर रहे हो, तुम्हें जागने की ज़रूरत है। निशांत को सातवीं पोजीशन पर बताते हुए फरा ने कहा कि ये OTT नहीं है, वो किंडरगार्टन था, असली स्कूलिंग तो अभी शुरू हुई है। मायशा को आठवें पोजीशन पर बताते हुए फरा ने कहा कि ये डेटिंग रियलिटी शो नहीं है, आपको खुद को साबित करना होगा। नवे पोजीशन पर ईशान को बताते हुए फरा ने ये कहा कि ये मायशा का स्वयंवर नहीं चल रहा है। दसवें नंबर पर अफसाना खान को बताते हुए फरा ने ये कहा कि तुम बिग बॉस सीजन 15 की डॉली बिंद्रा बनने तो नहीं आई हो। वहीं ग्यारहवें नंबर पर उमर रहे। फरा ने ये कहा कि तुम अपने भाई को कॉपी करते नजर आ रहे हो। सिम्बा के लिए फरा ने 12वें रैंकिंग की पोजीशन दी और ये बताया कि तुम्हें गेम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आकाशा के लिए फरा खान ने यह बताया कि तुम 13वीं पोजीशन पर हो, लेकिन तुम प्रतीक के साथ नोकझोंक की वजह से ही नजर आ रही हो। डोनल्ड से फरा ने पूछा मास्टर कब बनोगी। डोनल्ड 14वें नंबर पर थी। 15वें रैंकिंग पर यानी आखिरी रैंकिंग पर विधि थी और उन्हें बताया गया कि तुम जय की परछाई लग रही हो। पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो की बहन का किरदार निभाने यहाँ आई हो। और इसी तरह से फरा खान ने बाकी के कंटेस्टेंट्स को एडवाइस दी, लेकिन करण तेजस्वी और विशाल की तारीफ की गई है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।